बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक ग्राफिक्स। मैं हूं तनवीर हुसैन अख्तर और आपके लिए लेके आया हूं आज एक और बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। आइए स्टार्ट करते हैं डीएस डिज़ाइन 42। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल टू लिया 3.5 बाई 2 इंचेस। सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने पिक करके यहाँ पे रखा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल पे ये जो टूल है इस पर क्लिक करके एक दो सेकंड के लिए रखा तो यहाँ पे और टूल सामने आ जाएंगे। ये है जी पॉलीगन टूल जहाँ से लिया मैंने। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रा किया है ताकि मैं एग्जैक्ट ठीक ड्रा कर सकूँ, शेप में कोई इशू ना आए। थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। इसको मैंने यहाँ पर रखा और इसको मैंने स्वैप कर दिया। स्वैप मीन्स कि सॉरी, यहाँ से स्वैप कर दिया और बाय डिफॉल्ट फिल करके फिर स्वैप कर दिया मैंने, ताकि ये मुझे लाइन सही नज़र आती रहे और मैं सही तरह से हम अपना काम कर सकें। और इसमें मैं नो फिल करने लगा हूँ जी। और उसके बाद मैं ये करना चाह रहा हूँ जी कि इसको मैंने काफ़ी यहाँ से ड्रैग किया शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे आके मैंने क्लिक रिलीज करने से पहले मैंने हार्ड प्रेस कर दिया ताकि मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाए। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी हम स्वरूप में देख लेते हैं। जी ठीक है। और उसके बाद हमने शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ये हमारा अलग ऑब्जेक्ट बन गया है। अब बाकियों को जो सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। और आपने इस ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल की मदद से इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, सॉरी शेप बिल्डर टूल आर्ट प्रेस करके यूं सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, यूं ड्रैग किया, ये भी डिलीट हो गया। और इसमें हमने नो आउटलाइन कर दी और रेड कलर इसमें फिल कर दिया, रेड कलर हमने फिल कर दिया। इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम होनी चाहिए, कैसी करते हैं देखते हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इस पॉइंट को क्लिक किया और ये थर्ड पॉइंट क्लिक किया और कंट्रोल की मदद से मैंने थोड़ा सा राइट को मूव किया जिस, ताकि सारे पॉइंट जो है वो बराबर मूव करें और बराबर ही उसकी जो जो एंगल्स हैं उसके वो सारे इसी तरह से रहें। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप किया आल्ट प्रेस करके और उसके बाद मैंने इसको फिर इधर एक और ड्रॉप किया आल्ट प्रेस करके, ये देखिए तीन मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाई यहाँ से यहाँ तक। इसका ये निचला पॉइंट मैंने यहाँ पर मिला दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और उसे राइट लेफ्ट साइड को ड्रैग किया और इसके साथ मिला दिया। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कवर हो गया। अब इसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ड्रॉप करने से पहले आल्ट प्रेस कर दिया, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म की मदद से मैंने इसे रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट वर्टिकल यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसे यहाँ पे रखा। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये दो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए और इनको पीछे यहाँ जाके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक मिला दिया और इसको मैं यहाँ पे कम करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे रख रहा हूँ, आर्ट से इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल में आके मैंने इसको माइनस फ्रंट कर दिया। ये देखिए जी उसी जगह मैं काटना चाह रहा था, अलग करना चाह रहा था ताकि ये इसके पास ये सिर्फ निचला हिस्सा बच जाए और वो डिलीट हो जाए और मैंने ऐसा ही किया, शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा पीछे कर दिया। ये लीजिए ये इजाफी से हम इसको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल की मदद से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट कर दिया
और इसमें मैंने व्हाइट कलर फिल कर दिया, देखिए जी। और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। एक साइड हमारे लिए तैयार हो चुकी है जी, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, ड्रॉप किया कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से, इसे सबसे ऊपर ले आए, और ट्री ग्राफिक्स इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे ऊपर लेके आए इसे, ये देखिए जी। इसको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आपको ये फाइल्स मिल जाएंगे। फाइल मिलने के लिए आपके लिए शर्त है कि आप सब्सक्राइबर हैं, और आपने अगर ईमेल आईडी जो है अपने कमेंट में पुट कर दी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये फाइल्स आपके ईमेल आईडी पे ज़रूर भेजूँगा। फुली एडिटेबल फाइल्स होंगी, और उसमें एडोब इलस्ट्रेटर फाइल भी होगी, ईपीएस फाइल भी होगी, सारा कुछ होगा। तो कोशिश कीजिए, अवेल कीजिए इसे। मैंने राइट क्लिक करके अनलॉक गाइड किया, और उसके बाद सारे सेलेक्ट करके राइट साइड को मूव किया और शिफ्ट प्रेस कर दिया, और क्लिक रिलीज करने से पहले मैंने आल्ट प्रेस कर दिया ताकि मुझे इसकी एक डुप्लीकेट मिल जाए, और फिर लॉग आउट कर दिया। इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने वाइट कलर फिल कर दिया, और जहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है इसको हम ब्लैक कर देते हैं, एक रिवर्स हो जाएगा जी। और इन तीन ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, और इनको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। एक बार हम इसे यूं रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इनको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करेंगे, ये देखिए जी। इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, और इसको मैं उठा के जहाँ ले आया शिफ्ट प्रेस करके, ये देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे का वैसे आ गया है। और इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्लेक्ट करता हूँ, बिल्कुल देखिए। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बाद में लेंगे ताकि हमारा काम सारा एक साथ हम करते जाए। इसको यहाँ पे क्लिक किया, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जस्ट वन यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, और इसको हमने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मिला दिया, और इसके निचला पॉइंट हमने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मिला दिया। शिफ्ट हम इसलिए प्रेस करते हैं ताकि हमारी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी चलती रहे, उसमें जो है वो कोई गलती ना हो हमसे। और उसके बाद इसी तरह हमने एक और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई, और इसमें हम आई ड्रॉपर टूल की मदद से ब्लैक कलर फिल करते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी भी जो है साइड्स हम इसका एंगल वैसे ही करते हैं जैसा हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये जी। ये हमारा एक मार्जिन बन जाएगा थोड़ा सा रेड कलर का, ये रखने के बाद हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, और इसमें हम यहाँ पे छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, इनका भी उसी तरह पॉइंट हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे क्लिक किया, और शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को मैंने यहाँ यूं ड्रैग कर दिया ताकि इनका एंगल बराबर हो जाए, और इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं कम करते हैं कुछ जी बिल्कुल, और फिर इन्हीं पॉइंट को स्केच किया और थोड़ा सा राइट में मूव कर दिया, ये देखिए बिल्कुल बराबर लिया। और इसमें हमने आई ड्रॉपर टूल की मदद से रेड कलर फिल कर दिया है। अब इसी को हम नीचे ले आएंगे, थोड़े से वक्त से इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे आल्ट प्रेस करके, यहाँ पे शायद एंगल में कोई फ़र्क है, ये देखिए एंगल में फ़र्क नहीं होगा तो इंशाल्लाह काम ज़बरदस्त होगा उसमें, क्योंकि हमने इसी एक को कॉपी करना है तो फिर हमारे लिए मसला नहीं होगा। सॉरी, दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, मैंने फिर से सेलेक्ट कर दिए थे, और जो देखिए और इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसी को डुप्लीकेट करके नीचे ले जाते हैं यहाँ पे ले। और जहाँ ड्रॉप करने से पहले आर पिक कर दिया जी, तरह से यहाँ पे दिया ताकि इनका ऊपर नीचे डिस्टेंस बराबर रहे, खूबसूरती का बराबर रहे,
ऑल्ट प्रेस करके स्मार्ट गाइड हमें बता रही है जी कहीं का डिस्टेंस जहाँ बराबर हो रहा है, ये देखिए, और ऑल्ट प्रेस कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पर हम बाकी इनको पुट करते हैं अपने, उसमें ये चीज मुझे कंट्रोल से स्क्वायर ब्रैकेट सबसे ऊपर ले, इन सबको सेलेक्ट करके पहले मैं अरेंजमेंट में सबसे ऊपर ले जाता हूँ ताकि हम काम आसानी से कर सकें। ये देखिए, और इसको यहाँ पुट किया हमने, और इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, और इनको भी इसी तरह सब उस तरह करके अपने को एक ही करके वहाँ पुट कर देते हैं। ये यहाँ पे पुट किया हमने, और उसके बाद ये लीजिए, उसके बाद इसको हम इसमें आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम रेड कलर फिल करते हैं, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं राइट कंट्रोल शिफ्ट से कैरी बैकेट से सबसे ऊपर ले आए, इन सबको सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम रेड कलर फिल किया, और सिर्फ इस हिस्से में ब्लैक कलर फिल करते हैं। जी, और इसको हमने पिक किया और यहाँ पे ड्रॉप किया, और कंट्रोल शिफ्ट से कैरी बैकेज के सबसे ऊपर लिया, और उसके बाद यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की, बल्कि लाइन टूल लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल मैंने क्लिक कर सीधा सीधे यहाँ तक ड्रॉ किया ताकि ये इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाए, और इसकी मैं यहाँ पे स्ट्रोक की थोड़ी मोटाई बढ़ा रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और शिफ्ट से मैंने इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देखिए जी हमारे लिए हमारा कार्ड तैयार हो चुका है। राइट क्लिक करके हम हाइडलाइट करते हैं ताकि इसका पूरा व्यू ले सकें। लीजिए जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ईमेल ज़रूर अपना कमेंट में लिखिए ताकि आपको ये फाइल आपकी ईमेल आईडी पे मौसूल हो जाए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।